सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आपको दिन के समय इतनी नींद क्यों आती है, इसे हाइपरसोम्निया कहते हैं और ये एक तरह की कंडीशन है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपके शरीर में इतनी धमनियां हैं कि अगर उनको नापा जाए तो वो धरती के दो चक्कर बराबर तो है ही। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी झकासी हेल्थ टिप, जैसे सब्जियां धोने का सही तरीका। हमें मेल आया प्रभास का, हिसार के रहने वाले हैं, 26 साल के हैं। उनके साथ एक दिक्कत है, उन्हें बहुत नींद आती है दिन भर, जब ऑफिस में काम करते समय या खाना खाने के बाद, या फिर रात में नींद ना पूरी हुई हो और तब दिन भर नींद आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर रात में पूरी नींद लेने के बाद भी दिन में भयानक नींद आए, सोने के बाद भी थका हुआ लगे, तब क्या? प्रभास ने कुछ समय पहले हमारा एक एपिसोड देखा था, उसमें हमने बताया था कि थायराइड के कारण आपको ज़्यादा नींद आती है। प्रभास अपनी हालत से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने थायराइड का टेस्ट तक करा डाला, उन्हें थायराइड नहीं निकला। तब प्रभास ने डॉक्टर को दिखाया, पता चला उन्हें हाइपरसोम्निया है। हाइपरसोम्निया यानी एक तरह की कंडीशन, जैसे इंसोम्निया। अब इंसोम्निया में रात भर नींद नहीं आती है, हाइपरसोम्निया में दिन भर आती है। जब ये नींद आपकी दिनचर्या की ऐसी की तैसी करने लगे, तब मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है, जैसे प्रभास के साथ हुआ। अब उनका बाकायदा इलाज चल रहा है। वो चाहते हैं हम हाइपरसोम्निया पर एक एपिसोड बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हाइपरसोम्निया क्या होता है और क्यों होता है। जरूरत से ज्यादा सोना भी क्या कोई बीमारी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपरसोम्निया, यानी एक नॉर्मल आदमी को 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन यदि आपको 9 घंटे से ज्यादा की भी नींद चाहिए होती है और आपका उसके बाद भी काम नहीं चल रहा है, तो उसे कहते हैं हाइपरसोम्निया, यानी कि बहुत अधिक सोने की बीमारी। ये किस तरह से होती है, इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक हाइपरसोम्निया, दूसरा सोमनोलेंस। हाइपरसोम्निया में तो ओवरऑल आपकी जो स्लीप होती है वो 9-10-12 घंटे की स्लीप होती है, जबकि सोमनोलेंस में होता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीप, यानी उसमें व्यक्ति को एकदम से स्लीप के अटैक्स आते हैं, खड़े खड़े से लगेगा कि मुझे सोना है, और अनअवॉइडेबल होता है, यानी उसे सोना ही पड़ता है। ओवरऑल हम बात करें तो यानी कि आपका दिन में भी आप 2-3-4 घंटे की नींद लेंगे, रात को भी आप 10-12 घंटे की नींद लेंगे, कुल मिलाकर आपकी नींद जो है 12-13-15 घंटे तक की नींद हो सकती है। सबसे पहली चीज जो हमने बताया कि बहुत ज्यादा नींद आना, यानी जरूरत से बहुत ज्यादा नींद आना। दूसरा, नींद लेने के बाद भी हमेशा थकान बने रहना, चिड़चिड़ापन रहना, नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप, यानी कि उसके बाद भी आपको फ्रेश नहीं लगता है, आप एनर्जेटिक महसूस नहीं होते हैं, आपको थकान बहुत रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, दिन में भी स्लीप के बाउट्स आते हैं, यानी बैठे बैठे नींद की झपकी आना, या दिन में सोते रहना, किसी काम में मन ना लगना, और जो स्लीप होती है अनअवॉइडेबल होती है, इसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। क्या ये बीमारी का लक्षण है, यानी जरूरत से ज्यादा नींद आना क्या कोई बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, ये एक बीमारी भी है और कुछ बीमारियों का लक्षण भी है। सबसे पहली चीज हम बात करें, यह फैमिलियर होता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक परिवार के अंदर इडियोपैथिक, इसका कोई कारण नहीं पता, बट उस परिवार में सभी लोगों को ज्यादा सोने की बीमारी है, यानी सभी लोग जो है 12-13 घंटे सोते हैं। सेकंड, लाइफ में कोई मेजर ट्रॉमा हुआ हो, जैसे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यू चल रहा हो, लव अफेयर्स का ब्रेकअप हुआ हो, इकोनॉमिक लॉस या कोई और मेजर लॉस, नियर एंड डियर की डेथ, या किसी और कारण से कोई आपको मेजर ट्रॉमा हुआ हो। अधिक सोना डिप्रेशन का बहुत बड़ा लक्षण है, यदि आपको डिप्रेशन है, डिस्थाइमिया है, तो ऐसे मरीज ज्यादा सोते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो अल्कोहल या दूसरे तरह के नशे हैं वो भी आपकी नींद की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है अवॉइडेंस रिएक्शन, यानी जब हम किसी वास्तविक स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, ऐसी परिस्थिति
जिसका हम सामना नहीं कर पाते हैं। दूर्भेदिक सोने की प्रक्रिया होती है। उसके अलावा हम बात करें तो बहुत बार जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकल्स से होती है, तब हाइपरसोमनिया डेवलप होता है। बहुत सारी जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज है, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, ऐसे कई बीमारियां हैं जिसके अंदर की हाइपरसोमनिया की प्रॉब्लम होती है। हाइपरसोमनिया के कारण और लक्षण आपने समझ लिए, अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। यदि यह फैमिलियर है, इडियोपैथिक है, रिसेंट पोजेस से है, तो कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं, जैसे कुछ स्टिमुलेंट्स हैं, कॉफी, चाय, चॉकलेट, ये आप लोग ले सकते हैं। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे रहेंगे तो आप जो लंबी नींद से बाहर आएंगे। अपने आप को प्रोडक्टिव काम में लगाइए, यानी दिन का जो टाइम है आप वो काम करिए जो आपको करना पसंद आता है, जो प्रोडक्टिव है, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन बनती है। पानी खूब पिए, 6 से 7 लीटर पानी पिए, जूस पिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको ट्रीट नहीं हो रहा है तो आप किसी नजदीकी चिकित्सक से सलाह लें। कुछ दवाइयां होती हैं जिसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे एम्फेटामाइन है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, यदि आपको अंडरलाइन डिप्रेशन है, रिसेंट ट्रोमा है, तो ऐसे केसेस में SSRI हैं, SNRIs हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और लास्ट में हम साइकोथेरेपी का भी इसमें काफी बड़ा रोल है, कि यदि उसके बावजूद भी आपको हाइपरसोमनिया ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसका बेसिक कॉन्फ्लिक्ट हम निकालते हैं ड्यूरिंग एडजस्टमेंट जो प्रॉब्लम होती है, और इस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं वो आपके काम जरूर आएंगी। अगर आपको दिन में हद से ज्यादा नींद आती है तो उसे महज थकान समझकर इग्नोर ना करें, ये हाइपरसोमनिया के कारण भी हो सकता है, इसलिए लक्षणों पर खास ध्यान दें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। ब्लड वेसल्स यानी धमनियां। बात जब हेल्थ की होती है तो उन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, दिल, किडनी, आंखों जितनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, पर ये ना होना तो आप नहीं होंगे। आपके शरीर में धमनियों का एक नेटवर्क होता है। धमनियां अपने आप में छोटी छोटी होती है, पर इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ये नेटवर्क बना होता है इलास्टिक नुमा ट्यूब से, जो मांसपेशियों से बने होते हैं। धमनियों का काम होता है आपके शरीर के हर अंग, हर हिस्से में खून पहुंचाना, वो भी कोई ऐसा वैसा खून नहीं, दिल से निकला हुआ साफ ऑक्सीजन युक्त खून। अब जैसे हमने आपको बताया, शरीर में धमनियों का एक नेटवर्क है। अब अगर सारी धमनियों को एक लाइन में रखा जाए तो वो इतनी लंबी लाइन होगी कि वो पूरी धरती का कम से कम 2 चक्कर तो काट ही सकती है। सोचिए कितनी लंबी। और तो और, आपका दिल दिन भर में 6,800 लीटर से ज्यादा खून पंप करता है, और इतना सारा खून ये धमनियां हर वक्त आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा रही होती हैं। कुछ भी ठंडा खाने या पीने के समय आपके सिर में जो दर्द होता है वो इन धमनियों की वजह से ही है। जैसे ही कुछ ठंडा आपके मुंह की छत को छूता है, आसपास की धमनियां सिकुड़ जाती हैं। क्यों? ताकि हीट लॉस ना हो। कुछ समय बाद रिलैक्स कर जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इस पूरे तामझाम के दौरान आपके सिर में दर्द होता है जो कुछ मिनट्स तक रहता है, या तब तक जब तक आपके शरीर को तापमान में आए बदलाव की आदत ना हो जाए। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। भाई, कोरोना का दौर चल रहा है, सफाई सुथराई रखना बेहद जरूरी है। जो सब्जियां और फल आप खरीदते हैं उन्हें भी साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैसे? देखिए, ज्यादातर इन सब्जियों और फलों पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की एक परत चढ़ी हुई होती है। इन्हें आपको पोटाशियम परमैंगनेट से धोना जरूरी है। ये एक केमिकल होता है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। पहले सब्जियां और फलों को इनमें डुबोकर धोइए और उसके बाद साफ पानी से। सब्जियों और फलों पर सैनिटाइजर हरगिज ना इस्तेमाल करें। अगर कोई वेजिटेबल वॉश वगैरह खरीद रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि उसमें पोटाशियम परमैंगनेट हो। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।